Students of fourth standard, today we are going to solve the next exercise of the maths. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ डायग्राम्स दिए हुए, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. जैसे पहला है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को फोर इजेस होते हैं, राइट? फोर लाइन्स है उसको, फोर साइड्स होते हैं, राइट? फोर साइड्स हैं. द पॉइंट वेयर टू साइड्स मेट इज कॉल्ड वर्टेक्स. यहाँ पे वर्टेक्स ए बी सी डी है, राइट? स्क्वायर, स्क्वायर को भी फोर वर्टिक्स है, चार कॉर्नर है, फोर साइड्स है. इन द फिगर अलॉन्ग साइड पी एम आर एस आर द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर. तो समझ में आया क्या होता है? तो रिक्टेंगल में चार चार साइड, चार वर्टिक्स. वर्टिक्स मतलब बोल सकते हैं कॉर्नर, ठीक है? स्क्वायर को भी फोर वर्टिक्स है एंड फोर साइड्स है. ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. जितने भी साइड होते हैं सब इक्वल होते हैं. ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिक्स, तीन कॉर्नर है उसको एंड थ्री साइड्स है. Y R L इज द वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, राइट? अब हम लोग ये तीनों इन्फॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो एक बार रिपीट कर दो, रिक्टेंगल को चार साइड होते हैं, चार वर्टिक्स हैं. स्क्वायर को भी चार साइड होते हैं, चार वर्टिक्स हैं. और ट्राइंगल को भी चार तीन साइड होते हैं, तीन तीन वर्टिक्स हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. नेम ऑफ फिगर, इट इज रिक्टेंगल. यहाँ पे रिक्टेंगल लिखना है. ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है. नंबर ऑफ साइड्स फोर एंड फोर. इसमें नंबर ऑफ साइड कितना आएगा? फोर. नंबर ऑफ कॉर्नर भी कितना आएगा? फोर. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड थ्री, नंबर ऑफ कॉर्नर भी थ्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे फिगर ए बी सी पी क्यू आर एस एल एम एन ओ. नेम ऑफ साइड्स ए बी दिए, आप लोग साइड बी सी लिखो, साइड ए सी लिखो, ठीक है? नेम ऑफ वर्टिक्स ए बी सी, तीनों पॉइंट्स आएंगे. पी क्यू आर एस में साइड पी क्यू, साइड क्यू आर, साइड आर एस, साइड पी एस. और पॉइंट्स क्या रहेंगे? पी क्यू आर एस. इसमें साइड एल एम है तो एल एम के बाद साइड एम एन लिखो, साइड एन ओ लिखो, साइड एल ओ लिखो और एल एम एन ओ अलग पॉइंट्स रहेंगे. इज दिस क्लियर? तो ये चार ये दोनों टेबल फिलअप करना है और ये डेफिनेट रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना है एज अ होमवर्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए.